बहराइच बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि आज 15 मई को थाना क्षेत्र फकरपुर के मदन कोठी अंतर्गत महाराष्ट्र से मजदूरों को लेकर आ रही डीसीएम नंबर MH03PV0429 अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा कर पलट गई, जिसमें उसमें बैठे यात्रियों में से 30-35 लोग घायल हो गए। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर एक व्यक्ति की हालत नाजुक है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी कैसरगंज व प्रभारी निरीक्षक फकरपुर देहात नगर मौके पर मौजूद हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए बहराइच से राजकुमार की खास रिपोर्ट। एडिशनल साहब, अभी एक सड़क हादसा हुआ है, कैसे हुआ है ये हादसा, कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत है? ये डीसीएम गाड़ी सुबह के समय पटरी मतलब उतर के उससे रोड साइड की पटरी से उतर के और राइट साइड में एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें करीब 32 की संख्या में लोग थे, जो अभी तक जो पता चला है कि मुंबई से आ रहे थे और ये अधिकांश लोग इसमें से बहराइच के ही रहने वाले हैं। इनको सबको तत्काल हमारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। CO और मैं घटनास्थल पे हम लोग तत्काल पहुँच के और इन लोगों को भिजवा दिया गया है यहाँ सदर हॉस्पिटल। CMS साहब से वार्ता हो गई है और CMS साहब मौजूद भी हैं हमारे साथ। ये सबका ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है। एक आदमी की पोजीशन क्रिटिकल है, उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी ऐसे अन्य लोगों को जो चोटें आई हैं उनका प्राथमिक इलाज करके उन्हें जो है जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो पूर्ण करते हुए उन्हें नियमित रूप से दे रहा है। कोई एक्सपायर भी है? एक व्यक्ति की अभी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, बाकी अन्य लोगों का।